तो दोस्तों इस वीडियो बात करेंगे ग्लोब टेक्सटाइल लिमिटेड के बारे में। इसका अभी करंट प्राइस जो है ना 2 रुपीज़ 95 पैसे चल रहा है, और यहाँ पर जो है ना इसकी एक बहुत बड़ी एक रेंज देखने को मिल रही है। प्राइस जो है ऑलमोस्ट कंसोलिडेशंस में ऑलमोस्ट 58 डेज से 58 दिनों से प्राइस जो है ना एक रेंज में देखने को मिल रहा है, और प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं है बल्कि एक टाइट रेंज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ग्लोब टेक्सटाइल लिमिटेड आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक रेंज है जो कि ऑलमोस्ट स्लोली स्लोली डाउन यहाँ पर प्राइस देखने को मिल रहा है, और अपने ही एक एज पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब प्राइस जो ना एक टाइट रेंज में आ चुका है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ पर ब्रेक आउट करे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 29 मार्च को यहाँ पर इसका 2 रुपीज़ 25 पैसा था प्राइस, और ये एक इसका बॉटम था। फिर प्राइस यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया 3 टू 4 डेज में ही प्राइस जो है ना ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 3 रुपीज़ 20 पैसा यहाँ पर इसने अपना एक टॉप बनाया। देन फिर वहाँ से प्राइस एक रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेशन में चला गया। तो ये एक इसकी जो है एक इम्पल्स वेव है, और प्राइस यहाँ से अच्छी रैलीज दिखाया था। अगर इसका रेशो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40% तक प्राइस यहाँ पर बढ़ा था, उसके बाद से 58 डेज की एक रेंज देखने को मिल रही है। तो अगर रेंज ब्रेकआउट होती है, देखो वैसे तो प्राइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेंज जब बाउंड हो जाता है तो प्राइस में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो ब्रेकआउट करे। तो ब्रेकआउट अगर ये करता है ग्लोब टेक्सटाइल तो प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल सकता है, बल्कि सिंगल शॉट में ही प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा सकता है। तो प्राइस जो है ना यहाँ से ऊपर अगर निकला तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ पर मैं इसकी रेंज देखूँ तो ऑलमोस्ट 20% तक ये प्राइस इजीली, जबकि इसका 40% तक प्राइस पहले रैली किया था, अभी हम अगर इसका हाफ भी देखते हैं 20% भी देखते हैं तो इसका जो एक रेजिस्टेंस है ये इसका टारगेट यहाँ पर देखने को मिला फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 20% का। तो ये 3 रुपये 55 पैसा 3 रुपीज़ 55 पैसा इसका ये एक फर्स्ट टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही सेम पैटर्न ना एक और स्टॉक में बना था, और उस स्टॉक के बारे में भी यही सिनेरियो देखने को मिल रहा था, और उस स्टॉक ने प्राइस ब्रेकआउट किया और ऑलमोस्ट 20% 25% तक प्राइस जो ना ऊपर निकला था। तो उस स्टॉक के बारे में मैं अभी बताता हूँ कौन सा स्टॉक था वो। तो देखो यहाँ पर जो ना गंगा फॉगिंग लिमिटेड का एक चार्ट था जो कि सेम उसी तरह ही कंसोलिडेशन में प्राइस देखने को मिल रहा था। देखो ये कंसोलिडेशन फेज में गया था और इसके पहले एक अच्छी सी रैली देखने को मिली थी, ये भी ऑलमोस्ट 40% की रैली किया था। देन उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन में गया था और फिर उसके बाद ब्रेकआउट किया, और ऑलमोस्ट देखो 25% तक प्राइस इमीडिएट एकदम से प्राइस यहाँ पर देखने को इसमें रैलीज देखने को मिली। तो सेम पैटर्न्स अभी जो है हमें ग्लोब टेक्सटाइल में भी देखने को मिल रहा है। प्राइस जो है एक रेंज में गया है और उसके पहले 40% की रैली किया है, तो ये भी ब्रेकआउट होगा तो 20% एटलीस्ट प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलेगा।